हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रुप में ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर एंड सेगमेंट एफ एंड ओ कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको इधर पर क्लिक कर देना है और कस्टमर सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप में, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए सेकंड नंबर का स्टॉक्स एंड एफ एंड ओ आईपीओ, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप सबसे ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि ग्रो पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करें। तो सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपका 6 महीने पुराना अगर अकाउंट है बैंक में और उसमें 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है, 10,000 का कैसे, मान लीजिए कभी आपने 5,000 जमा करे और 5,000 निकाले, हो गया 10,000, ठीक है। अगर आपने 100, 200, 500, 1,000 रुपये के भी 6 महीने में अगर बहुत सारे भी ट्रांजेक्शन करे होंगे तो वो सब 10,000 के हो जाते हैं। तो अगर वो 10,000 के ट्रांजेक्शन हैं और आपने को बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लियर लिखा है, एक ऑटो फेच हो जाएगा आपका। ऑटो फेच मतलब आपका एक OTP आएगा मोबाइल पर और उससे ये जो ग्रो है वो ऑटो फेच कर लेगा आपके बैंक स्टेटमेंट को, और अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका जो स्टेटमेंट है वो ठीक रहेगा और आपका एफएंडओ सेगमेंट ओपन हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा पिछले महीने की सैलरी थी स्लिप, जिसमें मैंने 7,500 से अधिक की सैलरी हो और आपका पूरा स्टेशन नाम, तो आप अपना चाहें तो आप अपना सैलरी स्लिप इनको भेज सकते हैं या फिर आपका जो ITR वगैरह है और उसका एक अक्नोलेजमेंट एक स्लिप होती है, ठीक है, जब आप ITR फाइल करते हो तो मिलती है, मुझे मिली थी, ठीक है। तो वो आप इनको दे सकते हो, आपका पूरा नाम पेन वगैरह सब कुछ यहाँ पर मतलब दिखाई देना चाहिए, या फिर आपके पास 5,000 रुपये के शेयर है तो उसका स्टेटमेंट आप इनको दे सकते हो, ये लिखा है क्लियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है तो आप OTP वाला ही कर लो बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद एक्टिवेट एफ एंड ओ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मान लो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो हमारा तो क्या है कि ऑटोमेटिक ये मतलब पहले से ही ये है। अगर आपका नहीं होगा तो आप इस पर क्लिक करोगे, एक OTP डालोगे, ये ऑटो फेच कर लेगा और आपका जो ग्रो ऐप में एफ एंड ओ सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद कैसे ट्रेडिंग करते हैं आप पूछोगे, कैसे ट्रेडिंग करते हैं उसके बाद, तो उसके बाद देखो कैसे ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि ये बैंक निफ्टी है, इस पर आपको क्या रहता है, यहाँ पर देखो एक सपोर्ट रहता है, नीचे सपोर्ट रहता है, ऊपर रेजिस्टेंस रहता है। अभी सपोर्ट पर है तो यहाँ से अगर आपको एक कॉल ऑप्शन लोगे तो जैसे कि आज इसका एक्सपायरी है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना अगर आप नए हो तो आज 30 अक्टूबर है, आपने आज ही एफ एंड ओ एक्टिवेट किया और आज ही आपका हो गया, तो आपको ये करना है इसमें कि आपको जिस दिन का एक्सपायरी हो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेडिंग करनी है। जैसे 6 अक्टूबर की हम देखें तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्राइस है इसमें से आप ये वाला ले लीजिए, इसको बाय कर लीजिए, ठीक है, आपके लगभग 8,000 रुपये लगेंगे। अगर आप कम से करना चाहें तो कम से भी कर सकते हैं। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, ग्रोथ से ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, शेयर वगैरह सब कुछ, तो आप मेरे चैनल पर देख लेना। अगर इसमें आपको अभी भी कुछ पूछना है, जैसे कि कोई बोलेगा कि हमारा पेटीएम बैंक है, तो भाई पेटीएम वगैरह नहीं चलेगा इसमें, इसमें आपका जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो बैंक होता है वही होना चाहिए, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए पिछले, और उसमें 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो जो आपका एफ एंड ओ सेगमेंट है ये एक्टिवेट कर दिया जाता है। और इसमें एक से लेके मतलब शुरू मतलब 1-2 घंटे से लेके 2-3 दिन तक लगते हैं, अगर छुट्टी उट्टी रहती है तो टाइम लगता है, नहीं तो तुरंत एफ एंड ओ एक्टिवेट आपका हो जाएगा। कुछ पूछना है ना तो आप एक काम करा करो, मुझको कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।